डॉक्टर राम कुनियानी जी की पुस्तक हिंसा सांप्रदायिकता मिथक और यथार्थ खास तौर से सांप्रदायिक राजनीति के ऊपर चर्चा करती है और उस सांप्रदायिक राजनीति के चलते अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति होने वाली हिंसा को उजागर करती है कि कितने प्लान तरीकों से इन हिंसाओं को अंजाम दिया जाता है और उससे कहीं ज्यादा प्लान तरीके से इन के प्रति दुष्प्रचार किया जाता है। इसी सिलसिले में पिछले एपिसोड में हमने 1993 में हुए मुंबई कांड को कवर किया था कि किस प्रकार उसको पेश किया गया था, लेकिन उसके पीछे की हकीकत क्या थी। जब तक ये हकीकत खुलती है तब तक इतना नुकसान हो चुका होता है कि उसकी भरपाई करना करीब करीब नामुमकिन हो जाता है। इसी सिलसिले को आज के एपिसोड में हम आगे बढ़ाएंगे और आज का एपिसोड गोधरा कांड से होते हुए आगे चलेगा। तो चलिए मेरे साथ आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ, जय भीम फूल जौहार। आज के एपिसोड का टॉपिक है, चैप्टर पहला ही है लेकिन उसका सब टॉपिक है, गुजरात कत्लेआम के मूल में मुसलमानों द्वारा ट्रेन को जलाया जाना था। तो ये स्टार्टिंग में हेडिंग्स हैं, ये वो हेडिंग्स हैं जिनको दुष्प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया गया अल्पसंख्यकों को दबाने के लिए, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जब रिपोर्ट्स आती हैं तो कुछ और होती है, उसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो जितनी भी हेडिंग्स हैं ये वो हेडिंग्स हैं जिनको खास तौर से दुष्प्रचार का माध्यम बनाया गया, लेकिन नीचे जो एक्सप्लेनेशन है वो सम्माननीय न्यायाधीशों का है जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स में इन सभी बातों को या इन सभी दुष्प्रचारों को सीधे सीधे नकारा है। तो चलिए, गोधरा, गुजरात और अक्षरधाम स्वतंत्र भारत के इतिहास पर काले धब्बे हैं। गुजरात में 10 महीनों तक चली 63 घटनाओं के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाता है कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की। घटना हो गई लेकिन उसका जो अंजाम था वो लगातार 10 महीनों के लंबे अंतराल तक अल्पसंख्यकों को भुगतना पड़ा तरह तरह से। इस प्रश्न के कई उत्तर सामने आ रहे थे। राज्य के राजनीतिक नेतृत्व का कहना कुछ था, दूसरी ओर घटनाक्रम से सरसरी तौर पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना या तो कठिन था या घटनाक्रम किसी दूसरी ओर ही इशारा कर रहा था। इसलिए कंसर्न्ड सिटीजन ट्रिब्यूनल का गठन करने का निर्णय हुआ। देश के जाने माने विधि वेत्ताओं न्यायमूर्ति वी के कृष्ण अय्यर, पी बी सावंत, भोजबेट सुरेश और एडवोकेट के जी कन्ना बिरन के अतिरिक्त समाज शास्त्री प्रोफेसर घनश्याम शाह व प्रोफेसर तनिका सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय इस ट्रिब्यूनल के सदस्य थे। तो देश के बेहद सम्माननीय लोगों द्वारा ये ट्रिब्यूनल बनाया गया और उसके अध्यक्षता में कौन कौन थे उसका जिक्र भी हमने किया है। इस ट्रिब्यूनल के समक्ष जो कार्य था वह बहुत बड़ा था, या सत्य का पता लगाना और एकमात्र उद्देश्य था इसका। इसी के चलते ट्रिब्यूनल के सदस्यों ने 2094 लिखित और मौखिक गवाहियां दर्ज की जिनमें व्यक्तिगत और सामूहिक गवाहियां शामिल थीं। तो कितने सारे लोगों को इसमें कवर किया गया है। गवाही देने वालों में दंगा पीड़ित एवं राहत व पुनर्वास कार्य में संलग्न समूह शामिल थे। ट्रिब्यूनल ने अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया और अपने निष्कर्षों को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शीर्षक के से 2 खंडों की पुस्तक में प्रकाशित किया। यह जांच इस अर्थ में मील का पत्थर थी कि इस तरह की स्थितियों में निहित स्वार्थी तत्व न केवल सच को छुपाने का प्रयास करते हैं वरन उसे तोड़ते मरोड़ते भी हैं। ट्रिब्यूनल के निष्कर्ष इस आरोप का पुरजोर खंडन करते हैं कि गुजरात दंगे किसी एक समुदाय द्वारा रचे गए षड्यंत्र का नतीजा थे। दूसरा टॉपिक, गोधरा हिंसा मुसलमानों की सुनियोजित योजना का नतीजा थी। तो यह है वो टॉपिक, इस तरह का दुष्प्रचार मुस्लिम समुदायों के लिए किया गया लेकिन उसकी हकीकत क्या थी। अब सुनिए, ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट से यह साफ है कि गोधरा की घटना मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम नहीं थी। घटना के मुख्य आरोपी हाजी उमर को अदालत द्वारा निर्दोष पाया गया। गोधरा की घटना को ही दंगों का बहाना बनाया गया और बदला लेने की बात की गई।
ट्रिब्यूनल इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि गोधरा की घटना सुनियोजित नहीं थी और न ही इसके पीछे कोई विदेशी हाथ था, जैसे कि बड़े जोर शोर से दावा किया गया था। ट्रिब्यूनल का अनंतिम निष्कर्ष यह है कि आग भीतर से लगाई गई थी, बाहर से नहीं। ये निष्कर्ष क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत के आधार पर स्वाधीन भारत के सबसे भयावह दंगों को औचित्यपूर्ण सिद्ध करने और सरकारी तंत्र की निष्क्रियता को सही ठहराने के प्रयास की हवा निकाल देता है। तो कई तरह की रिपोर्ट्स में कई तरह की बातें कही गई, जैसे कि इसमें कहा गया है कि आग जो है वो अंदर की तरफ से लगी थी। तो मुझे याद है सुनने में ऐसा भी आ रहा था कि उस टाइम जो है बहुत सारे साधु संन्यासी जो हैं वो कुंभ के मेले की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, और जिसके चलते वो अपने साथ राशन और स्टोव वगैरह जो लेकर चलते हैं, केरोसिन ऑयल लेकर चलते हैं, तो किसी ने शायद ज्यादा पंप कर दिया, जिसकी वजह से जो है स्टोव जो है वो बर्स्ट हो गया और आसपास रखा केरोसिन जो था वो तेजी से आग पकड़ के फैलने लगा। इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही थी, लेकिन रिपोर्ट आने तक, जैसा कि मैंने पहले कहा, इतना नुकसान कर दिया जाता है कि उसकी भरपाई होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। उन सैकड़ों जानों का क्या जो चली जाती हैं इन दंगों के दौरान। इसीलिए अपने आप को दुरुस्त कीजिए, अपने आसपास के माहौल जिसमें जहर घुला हुआ है उससे बचकर रहिए। नेक्स्ट टॉपिक है ईसाई विरोधी हिंसा मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन की प्रतिक्रिया नहीं है। तो अल्पसंख्यकों में सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं है, ईसाई समुदाय भी आते हैं, उनके प्रति भी हिंसा करने में कभी भी तंत्र पीछे नहीं रहा है। और ऐसा दुष्प्रचार ईसाइयों के विरुद्ध भी होता रहा है कि ईसाई मिशनरी जो है वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं लोगों के, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, रिपोर्ट्स ऐसा कहती हैं। सुनिए, भारत में ईसाई धर्म का आगमन 1552 में सेंट थॉमस द्वारा मालाबार तट पर चर्चों की स्थापना के साथ हुआ। धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर शोर मचाने का सिलसिला अचानक 1996 से शुरू हुआ, 1996 से। इसके अचानक शुरू होने और पूरे देश में फैल जाने की बड़ी घटना पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर इसलिए क्योंकि जनसंख्या संबंधी आंकड़ों और न्यायमूर्ति वाधवा जांच आयोग की रिपोर्ट में प्रस्तुत तथ्यों से ये बात पता चलती है कि देश में ईसाई आबादी में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है। सन 1971 में ईसाई देश की आबादी के 2.6% थे। सन 1981 में आबादी में उनका प्रतिशत 2.44 और सन 1991 यानी कि 1991 में 2.34 और सन 2001 में 2.30 और 2011 में भी 2.30 था। इससे यह स्पष्ट है कि ईसाइयों की कुल आबादी में कमी आई है। क्या यह अजीब नहीं कि धर्मांतरण के मुद्दे पर इस तथ्य के बावजूद विष वमन किया जा रहा है, अर्थात जहर उगला जा रहा है कि देश की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा घटा है। देश की आबादी में ईसाइयों का हिस्सा घटने के बावजूद लगातार ये दुष्प्रचार किया जा रहा है कि इनकी जो आबादी है वो तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि ईसाई मिशनरी जो है वो तेजी से लोगों को, खासकर आदिवासियों को, ईसाई बना रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट इन सब चीजों को खारिज करती है। उड़ीसा के क्योंझर जिले के मनोहरपुर में पास्टर स्टेन्स, जो कुष्ठ रोगियों की सेवा में रत थे, को उनके 2 नाबालिग लड़कों के साथ इस आरोप में जिंदा जला दिया गया था कि वे धर्मांतरण करवा रहे हैं। इस घटना की जांच करने वाले न्यायमूर्ति वाधवा आयोग के रिपोर्ट के अनुसार क्योंझर जिले में सन 1991 से सन 1998 के बीच, यानी कि 1991 to 1998 के बीच हिंदू आबादी में 2.52% की वृद्धि हुई और ईसाई आबादी में 0.08% की। इन आंकड़ों से इन आरोपों का खोखलापन सिद्ध हो जाता है कि देश में बड़े पैमाने पर आदिवासियों और अन्यों को ईसाई बनाया जा रहा है। आयोग की रिपोर्ट यह भी कहती है कि पास्टर स्टेन्स धर्मांतरण नहीं करवा रहे थे, लेकिन एक दुष्प्रचार के कारण उन्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यदि वे जिंदा होते तो ना जाने कितने सारे कुष्ठ रोगियों का भला करते।
लेकिन ऐसे दुष्प्रचारों के चलते जो जाने चली जाती हैं, उनकी भरपाई कौन करेगा? जान लेने वाले, इस वीडियो के बनाने तक गूगल सर्च के दौरान मैंने एक पोर्टल है हिंदी सबरंग, उसमें डॉक्टर राम पुनियानी जी का लेटेस्ट आर्टिकल जो 2 अक्टूबर 2020 को अपडेट किया गया था, उसके हवाले से मैं एक बात है जो कहना चाहूंगी, जिसे आप सेम पोर्टल पर जाकर क्रॉस चेक जरूर करिएगा। उसमें इसमें कहा गया है कि इस घृणित हत्या को बजरंग दल के स्वयंसेवक राजेंद्र सिंह पाल उर्फ दारा सिंह ने अंजाम दिया था, जिसको फांसी की सजा हुई थी लेकिन बाद में उसे तब्दील करके आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। तो प्रोसेशन रिलीफ नामक संस्था ने अभी हाल ही की रिपोर्ट में बताया है कि ईसाई मिशनरियों के खिलाफ जो है, या ईसाई समुदायों के खिलाफ हिंसा जो है वो 87% बढ़ी है, और ये प्रतिशत तब भी लगातार बढ़ता रहा है जब कोविड-19 के चलते पूर्ण लॉकडाउन था, उसके बावजूद भी ये हिंसा जो है वो लगातार बढ़ती ही गई। दंगे कुछ घटनाओं के कारण होते हैं, दरअसल घटनाओं का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए बहाने के बतौर किया जाता है। ये टॉपिक पॉल रिचर्ड ब्रास ने सांप्रदायिक हिंसा पर एक अत्यंत उच्च कोटि की पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक है द प्रोडक्शन ऑफ हिंदू मुस्लिम वायलेंस इन कंटेम्परेरी इंडिया, 2004 में पुस्तक आई थी। वे लिखते हैं कि जो घटनाएं स्वतः स्फूर्त प्रतीत होती हैं, दरअसल वे योजनाबद्ध हुआ करती हैं। पॉल ब्रास का कहना है कि भारत में दंगे भड़काने की एक संस्थागत प्रणाली है, और वो संस्थागत प्रणाली कौन है, इसकी चर्चा बार बार इन लेखों में हुई है। इस प्रणाली के अंतर्गत 3 चरणों में दंगा भड़काने की कार्यवाही की जाती है। पहला चरण में कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। कई बार वे अपनी भूमिका का पूर्वाभ्यास भी करते हैं, विशेषकर चुनाव में लाभ पाने के लिए जब भी किसी विशिष्ट सामाजिक समूह को लामबंद करने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब दंगे शुरू कर दिए जाते हैं। तो प्रैक्टिस करना, जिसको रतन जी की भाषा में घटना नहीं संकेत है मैं कहूंगी, तो वो संकेत जो है घटना से पहले दे दिए जाते हैं, आप उन्हें नहीं समझ पाते हैं या समाज नहीं समझ पाता है, ये समाज की ना समझी है। यह होता है दूसरा चरण। तीसरे चरण में यह मिथक फैलाया जाता है कि दंगे स्वतः स्फूर्त थे। इसके अंतर्गत जिस समुदाय को निशाना बनाया जाना पहले से ही तय होता है, उसके द्वारा की गई किसी कथित भड़काऊ कार्रवाई को दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। ऐसा कर जनता को ही दिखाया जाता है कि जो कुछ हुआ वह स्वतः स्फूर्त और औचित्य पूर्ण था। इसके ऊपर हमने सबसे पहले ही एपिसोड में चर्चा करी थी कि ऐसी स्थितियां पैदा कर दी जाती हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो हथियार उठाने या पत्थर उठाने को मजबूर हो जाते हैं। इस प्रकार दंगे भड़काने की संस्थागत प्रणाली के 3 मुख्य अंग होते हैं। पहला, दंगे किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए भड़काए जाते हैं और अधिकतर इनका लक्ष्य चुनाव में लाभ प्राप्त करना होता है। तो राहत इंदौरी साहब की ये लाइनें बहुत अजीज हैं मुझे कि सरहद पर चुनाव है क्या, पता करो चुनाव है क्या। दूसरे, दंगा भड़काने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने और उन्हें अलग अलग कार्य सौंपने के लिए एक संगठन आवश्यक होता है। तीसरे, जब भी दंगा शुरू करने के लिए उपयुक्त मौका हो तब उन्हें भड़काने के लिए सांगठनिक ढांचा हमेशा तैयार रखा जाता है। तो सब चीजें कितने प्लान तरीके से होती हैं, ये सब आप समझ ही पा रहे होंगे। हिंसा अल्पसंख्यकों की हरकतों के कारण भड़कती है, ऐसा दुष्प्रचार किया जाता है, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो नीचे एक्सप्लेन की गई है, जिसे आप मैं पढ़ रही हूँ। सांप्रदायिक संगठन और धर्म की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल दूसरे समुदाय के विरुद्ध घृणा फैलाते आए हैं। यही घृणा सांप्रदायिक हिंसा की नींव बनती है। इस घृणा का इस्तेमाल सांप्रदायिक संगठन विभिन्न समुदायों को अपने राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने के लिए लामबद्ध करने हेतु करते हैं। स्वतंत्र भारत में पवित्र गाय, मस्जिद के समक्ष संगीत और राम मंदिर जैसे भावनात्मक मुद्दों का इस्तेमाल दंगे भड़काने के लिए किया जाता रहा है। तो आज जो दंगे हमें दिख रहे हैं, यदि
इन दंगों के इतिहास के ऊपर आप चर्चा करें। आजकल तो हर चीज के इतिहास के ऊपर ज्यादा चर्चा हो रही है, अक्षय कुमार भी अपनी फिल्म को लेकर कर रहे हैं, तो क्यों नहीं इन दंगों के इतिहास के ऊपर भी एक नजर दौड़ाई जाए, तो पाएंगे कि इस तरह के दंगे इसी तरीके के प्रायोजन और इसी सेम तरीकों से फैलाए जाते हैं या भड़काए जाते हैं। यह रथ लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के बाद भारत में सांप्रदायिक हिंसा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। यह रथ यात्रा अपने पीछे खून की एक लंबी मोटी लकीर छोड़ गई है। इसने भाजपा को चुनाव में विजय हासिल करने में बहुत मदद की। येल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया एक अध्ययन के अनुसार जिस भी इलाके में सांप्रदायिक हिंसा होती है वहां भाजपा और मजबूत होकर उभरती है। और उसके नीचे पूरा एड्रेस दिया हुआ है गूगल साइट का जहां से ये चीजें उठाई गई हैं, economictimes.india.times.com/news/politics-and-national/bjp-gains-in-politics-after-every-right-says-yale-study/articles-how/4537-88840.cms। तो ये पूरा एड्रेस है, पता नहीं मैं आपको दिखा पाऊंगी या नहीं। ये पूरा दिया हुआ है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में हम इसके सेकंड चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन सबसे जरूरी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं ताकि दूसरे भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।